मेरी मुख्यमंत्री जी से पूर्व में भी बात हुई है और मुख्यमंत्री जी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो समस्याओं को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, समस्याओं को बड़े ही ध्यान से सुनना और उनके त्वरित निदान करना इनकी कार्यशैली को पूरा देश देख चुका है। पिछले दिनों मैंने काशी के व्यापारियों, काशी की जनता के दर्द को, अपनी वेदना को हमने अपने अभिभावक के समक्ष रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कठिनाइयों को, हमारी वेदना को समझते हुए उसको तत्काल दूर करने का प्रयास किया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वाराणसी में जो मेरी मांग थी, काशी के व्यापारियों की मांग थी कि शासनादेश के अनुकूल सुबह 9 से रात्रि 9 तक काशी की दुकानें खुले ताकि जो व्यापार लॉकडाउन में भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है तो कम से कम व्यापारी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह, बैंक का ब्याज, दुकान का किराया, अन्य दूसरे खर्चों को निकालकर अपना पेट पालने के लिए कुछ बचत भी कर सकी। दूसरी एक बड़ी ज्वलंत समस्या मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी थी, वो थी काशी के प्राइवेट कोरोना अस्पतालों की। देखिए, वो काशी की जनता का दर्द था जो मेरे जबान से निकला। डॉक्टर को हम लोग देवदूत के रूप में देखते हैं, परंतु हम लोग को बड़ी निराशा होती है जब वो देवदूत अपनी वेशभूषा में पूरी तरह से आदर्श नहीं होता है। प्राइवेट अस्पतालों द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा जो सरकारी रेट है उसको नज़रअंदाज करके वो पूरी तरह से अवैध रेट लिया जा रहा था, अस्पतालों में बड़ी लापरवाही थी। मैंने बहुत से काशी की में अपने परिचितों को देखा है जिनके परिजन प्राइवेट अस्पतालों में 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए नहीं जमा कर पाए तो अस्पताल ने उनके परिजन को भर्ती नहीं किया, उनको दूसरी जगह भर्ती करना पड़ा और अस्पतालों की लापरवाही के कारण एक हाड़ मास का इंसान ख़त्म हो गया। मेरा तो मानना है कोई व्यक्ति नहीं ख़त्म होता है, कोई व्यक्ति ख़त्म होता है तो एक परिवार ख़त्म होता है, उस परिवार से जुड़े दूसरे लोग ख़त्म होते हैं। मेरा मानना है कि गलतियां हर जगह होती हैं लेकिन उस गलती को मिल बैठ के सुधार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे वादा किया था कि वो सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक दुकान खोलने का आदेश देंगे, उसको उन्होंने किया, काशी में दुकान खुल भी रही है। दूसरा वादा उन्होंने किया था कि उस समस्या के निदान के लिए काशी आएंगे। आज मुख्यमंत्री जी का संभावित काशी का दौरा भी है। चूँकि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एक राष्ट्रीय संगठन है और संपूर्ण देश में इस संगठन द्वारा व्यापारियों की समस्याएं बड़े ही ज्वलंत तरह से उठाया जाता है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। मैं आपके माध्यम से कुछ और समस्याएं भी रखना चाहूँगा, जैसे कि देखिए स्कूल की समस्या। आज किसी भी स्कूल द्वारा किसी भी तरह से अपनी फीस में कोई भी कंसेशन, कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। स्कूल अपनी पूरी की पूरी फीस ले रहे हैं जिससे जनता बहुत ज़्यादा दुखी है। इसी तरह से छोटे व्यापारी और चाहे बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी तो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं क्योंकि उनको दुकान का पूरा किराया देना है। बैंकों ने उनको लॉकडाउन की अवधि में कोई भी ब्याज माफ़ नहीं किया है, उस ब्याज को माफ़ करना चाहिए। दुकान के किराए को सरकार को कुछ स्पॉन्सर्ड करना चाहिए। और दूसरी बात, किस तरह से व्यापारी अपने कर्मचारियों का खर्च निकालेगा, किस तरह से व्यापारी अपने बैंक का ब्याज देगा, किस तरह से GST के जो खर्चे होते हैं उसको भरेगा, किस तरह से व्यापारी अन्य दूसरे खर्चों को करेगा। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से देश में बहुत से आजकल दिवस मनाए जाते हैं, फादर दिवस, मातृ दिवस, किसान दिवस, शिक्षक दिवस, तो उसी तरह से व्यापारी भी एक देश की आर्थिक ऋण की ऋण है। बिना व्यापारी के इस देश में कुछ भी संभव नहीं है। तो जिस तरह से दूसरे दिवस मनाए जाते हैं, बल्कि पाश्चात्य संस्कृति में आजकल वैलेंटाइन डे भी मनाया जाने लग गया है, बहुत से ऐसे दिवस जो हम जानते नहीं हैं, फ्रेंड्स दिवस, तो ऐसे दिवस जो अभी हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मेरी सरकार से मांग है कि व्यापारी दिवस भी मनाया जाए। वो व्यापारी जो तन मन धन से देश की सेवा करता है, तो मैं 3 सितंबर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार से आग्रह करूँगा कि व्यापारी दिवस घोषित किया जाए और हर शहर में जिले स्तर पर कुछ एक व्यापारियों को सम्मानित किया जाए। व्यापारी सम्मान का भूखा है,
व्यापारी सहायता से भी ज़्यादा सम्मान का भूखा है। तो व्यापारी दिवस में व्यापारियों को सम्मान दें, जो जो व्यापारी को जो दिक्कतें हैं उसको दूर करें। 3 सितंबर का दिन इसलिए हमने बोला है, कोई और दिन भी रखा जा सकता है, लेकिन चूंकि 3 सितंबर हमारे संगठन का स्थापना दिवस है, ये संगठन कई दशकों से देश के व्यापारियों की सेवा करता आ रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर जो सक्रिय है, और कभी भी इस संगठन पे कोई उंगली नहीं उठी है। इस संगठन न तो कभी चंदे में फंसा न किसी चीज़ में, तो संगठन बड़े ईमानदारी से व्यापारियों की सेवा करता आ रहा है। सरकार तो चाहे तो किसी और दिन भी व्यापारी दिवस घोषित कर सकती है, लेकिन व्यापारी दिवस घोषित होना चाहिए, ये हमारी मांग है। 10 लाख रुपए तक का ऋण सरकार को ब्याज मुक्त व्यापारियों को कम से कम 5 साल की अवधि में देना चाहिए। लॉकडाउन की अवधि में बैंकों का ब्याज माफ़ होना चाहिए, लॉकडाउन की अवधि में स्कूल की फीस माफ़ होनी चाहिए, और लॉकडाउन की अवधि में जो EMI ली जाती है उस EMI को भी माफ़ होना चाहिए, और सरकार जनता व्यापारी के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है कि लॉकडाउन की अवधि में सरकार द्वारा जो बैंक द्वारा जो ब्याज वसूला जा रहा है वो नहीं वसूलना चाहिए।